दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की खौफनाक गेंदबाजी के आगे ढेर हुआ वेस्टइंडीज का खेमा। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए KLBI बल्लेबाजों को इस कदर खदेड़ा जिसके चलते वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। तो आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों के आगे वेस्टइंडीज की टीम ने घुटने टेक दिए, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह में कौन बेहतरीन गेंदबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, USA के फ्लोरिडा शहर में स्थित सेंट्रल रीजनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पॉवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि 60 रनों के भीतर ही वेस्टइंडीज के 4 विकेट गिर गए थे और इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम ने 3 बदलाव किए थे। तो वहीं भारतीय टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर आई। इस बीच वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग आते हैं, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिरकी गेंदबाज अक्षर पटेल से कराई, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला फैसला था। हालांकि पहली दो गेंदों पर अक्षर पटेल की गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि कप्तान के भरोसे पर ये गेंदबाज बेहतर तरीके से उतरेगा, लेकिन किसी को क्या मालूम था, ये तो सिर्फ भारतीय टीम की गलत फहमी है क्योंकि इस ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर काइल मेयर्स ने बेहतरीन अंदाज में हाथियों की ताकत के बराबर लंबा छक्का लगाया था और इसी के साथ उनका और उनकी टीम का खाता भी खुल गया। तो वहीं दूसरी गेंद पर इनसाइड आउट के जरिए उन्होंने 3 रन लिए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ब्रेंडन किंग ने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बल्लेबाज काइल मेयर्स ने स्वीप के जरिए एक बेहतरीन चौका भी लगाया और पहले ओवर में वेस्टइंडीज ने 14 रन बटोर कर दिखा दिए थे कि आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। तो वहीं अब अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजों को रोकने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया जाता है, जिन्होंने पहली दो गेंदों पर मात्र 1 रन दिया, लेकिन काइल मेयर्स के सामने तीसरी ही गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ ताबड़तोड़ अंदाज में चौका खाया और ताबड़तोड़ पारी को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इसी बीच अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता 19 रनों के स्कोर पर दिला दी थी और बल्लेबाज काइल मेयर्स को बाउंसर गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कट शॉट खेलने के चलते कैच आउट भी करा दिया और इस दौरान काइल मेयर्स ने 7 गेंदों पर 17 रनों की पारी 1 छक्के और 2 चौके की मदद से खेली थी, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए वनडे के कप्तान शाई होप बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं। हालांकि उन्होंने इस ओवर में तो कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन इस ओवर के अंदर भारतीय टीम को 5 रनों के साथ एक बड़ा विकेट भी मिल गया। इसके बाद एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए फिरकी गेंदबाज अक्षर पटेल को बुलाया जाता है। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहली 3 गेंदों पर मात्र 2 रन दिए थे, जहां पर होप ने अपना खाता तीसरी गेंद पर 1 रनों के साथ खोल दिया। काइल मेयर्स के आउट हो जाने के बाद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की रन गति पर भारतीय गेंदबाजों ने लगाम लगा दिया था, जिसके चलते इस ओवर में मात्र 4 रन ही आए थे। इसके बाद अब चौथे ओवर में एक और फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया, जिनके सामने दूसरी गेंद पर ब्रेंडन कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से सामने की तरफ छक्का लगा दिए और भारतीय गेंदबाजों की सोच को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, इस ओवर में दूसरे बल्लेबाज शाई होप ने जबरदस्त चौका कवर के ऊपर से लगा दिया। हालांकि इस ओवर की अंतिम गेंद पर युजवेंद्र चहल ने बल्लेबाज को परेशान किया, लेकिन अंपायर ने अपील को नकारा और ओवर के अंदर 13 रन आए थे, जिसके बाद अब पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आते हैं, जिनका स्वागत इस बार तो होप ने अपनी बेहतरीन क्लास दिखाते हुए कट के दौरान चौका लगाते हुए किया था। हालांकि अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की और बल्लेबाज को काफी ज्यादा परेशान किया और ओवर के अंदर 5 गेंदों में मात्र 7 रन आए, तो वहीं होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ ओवर की समाप्ति की और छोटे ओवर को बड़े में तब्दील कर, जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह आते हैं, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाज को परेशान किया, लेकिन एक बार फिर से ब्रेंडन किंग ने अपने ऊपर से दबाव हटाते हुए शानदार छक्का लगाया और अर्शदीप सिंह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारतीय टीम को 54 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर पलटवार करते हुए ब्रेंडन किंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान कुलदीप यादव ने जबरदस्त कैच पकड़ा था, जिसके चलते ब्रेंडन किंग 16 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए निकोलस पुरन आते हैं, जिन्होंने दूसरी गेंद पर 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति तक 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज ने बना दिए थे। तो वहीं पावर प्ले समाप्त हो जाने के बाद गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव आते हैं, जिन्होंने पहली ही गेंद पर सबसे बड़ी मछली को अपना शिकार बनाया और बल्लेबाज निकोलस पुरन को 3 गेंदों पर
एक रन बनाने के बाद बाउंड्री पर मौजूद सूर्य कुमार यादव के हाथों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान रोमन पॉवेल मैदान पर आते हैं, लेकिन कप्तान पॉवेल भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर के अंदर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर स्लिप में मौजूद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिमरोन हेटमायर मैदान पर आते हैं और इस ओवर के अंदर मात्र 2 रन वेस्टइंडीज ने बनाए थे और 2 विकेट खो दिए। तो वहीं 57 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद शिमरोन हेटमायर और होप ने मिलकर टीम को संभाला। इसके बाद अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चहल आते हैं, जिन्होंने ओवर में मात्र 3 रन दिए और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि वेस्टइंडीज 150 रन तो बनाएगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।